ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे विशाल के गोल के हिसाब से आपको अपना प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक बार प्लानिंग कर ली और वो जिंदगी भर के लिए वही रह जाएगी। अलग अलग स्टेज होते हैं प्लानिंग के, तो शुरुआती स्टेज क्या होगा? जी काफी 6 और 7 स्टेजेस होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। सबसे अहम बात होती है कि पहला स्टेज जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में है, हमको अपना जो खर्चा है अपनी इनकम से कम रखना है, which means we need to save money. बहुत लोग ये इस बात को समझते नहीं है और उनके पास कैश नहीं होता है, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं खर्चा करने में, which is not the right way to go about it. So first stage है financial planning में कि आपको पैसा बचाना है। Second stage है, second step, very important step है कि आपको एक emergency fund create करना होता है। Emergency fund generally advisable है कि around 6 to 8 months का आपका जो monthly खर्चा होता है household का, उतना आपके पास एक emergency के लिए safe रहना चाहिए। वो पैसा आपके bank account में हो सकता है, एक liquid mutual fund में हो सकता है, या आपके घर के अंदर अलमारी के अंदर रखा हो सकता है, as simple as that. तीसरा सिंपल स्टेज है कि आपको एक मेडिकल कवर लेना जरूरी है, विच इज ऑल्सो नोन एज मेडिक्लेम। सो आजकल देखिए कि हॉस्पिटलाइजेशन खर्च या डॉक्टर का खर्च इतना बढ़ गया है और हेल्थ इमरजेंसी इतनी फ्रीक्वेंटली आती है, तो मेडिकल इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। चौथा स्टेज है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास एक प्योर लाइफ पॉलिसी होनी चाहिए, टर्म इंश्योरेंस टर्म प्लान होना चाहिए। एंड टर्म प्लान डिपेंड करता है कि आपकी जरूरतें कितनी है, आपके डिपेंडेंट्स की जरूरतें आपके बाद कितनी रहेंगी और आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। पांचवा एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है जो अक्सर फाइनेंशियल प्लानर्स या जो कस्टमर्स होते हैं इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स, वो नहीं समझते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं खुद स्टॉक हूं या बॉन्ड। आप स्टॉक जानते हैं कि स्टॉक वोलेटाइल होता है, अनसर्टेन होता है, बॉन्ड सेफ होता है, रेगुलर इनकम मिलती है। अगर मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं विच इज अनसर्टेन, राइट, सो मेरा जो नेचर है विच इज मोर लाइक ए स्टॉक, सो आई शुड हैव इन माय मेरा जो पोर्टफोलियो है उसमें मेरे पास बैलेंस करने के लिए ज्यादा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए। मेरा जो ह्यूमन कैपिटल है और जो मेरा फाइनेंशियल कैपिटल है वो बैलेंस होना चाहिए। अगर मैं किसी सेफ इंडस्ट्री में हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पॉलिटिशियन या मैं बैंकर हूँ, विच इज मोर सेफ, तो विच मींस आई एम अ बॉन्ड, और मेरे पास अगर लंबी अवधि है 25-30 साल इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरा पोर्टफोलियो में ज्यादा स्टॉक्स या रिलेटेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। तो बहुत अहम क्वेश्चन है कि मैं खुद स्टॉक हूँ या बॉन्ड हूँ, उसमें डिसाइड करें। छठा एक फाइनल स्टेप है एक विल लिखने का, जिसको वसीयतनामा कहते हैं। लोग कहते हैं कि मैंने अपनी वाइफ को या अपने बेटे को नॉमिनेट कर दिया अपने म्यूचुअल फंड्स में, बट बहुत अक्सर मैंने परेशानियां देखी इंडिविजुअल्स को कि जनरली फैमिली को प्रॉब्लम होती है जब डिपेंड जो अर्निंग मेंबर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो पैसा क्लेम करने में बहुत मुश्किल होती है। पर आखिरी स्टेप है अपने फाइनेंशियल प्लान को रेगुलरली रिव्यू कीजिए। तो ये 6-7 स्टेप अगर आप धीरे धीरे निभा सके तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान अपने आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। जब हम गोल बनाते हैं अपने अपने प्लानिंग के तहत और हम जब उसके हिसाब से निवेश करना शुरू करते हैं, तो वो जो निवेश है वो हर गोल से जुड़ा हुआ होना चाहिए, हम ये बोलते हैं। तो मान लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए है हर महीने निवेश के, और 2 या 3 गोल है, पढ़ाई है बच्चों की और शादी है, तो क्या मैं असाइन कर दूं 2,000 रुपए इस गोल के लिए, 3,000 इस पर्टिकुलर गोल के लिए, या फिर ये ओवरऑल एक 10,000 का चल रहा है SIP, जब जरूरत पड़ेगी मैं निकालता जाऊंगा? स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वहां पे? इसको हम कहते हैं गोल पोस्टिंग। इसका मतलब है कि अपने जीवन में हम ऐसे गोल्स को या अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग नहीं कर सकते हैं। मैथमेटिकली ये हो सकता है पर इमोशनली ये नहीं होता है। अभी समझ लीजिए कि आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको अभी खर्च करना है, तो आपका आपके सामने ये डिसीजन है कि क्या एजुकेशनल लोन ले लें जो इसे बच्चे रीपे करें, या फिर हम खुद ये फिनेंस करें, और ये फिनेंसिंग की वजह से जो अपनी रिटायरमेंट की जो सेविंग है वो कम हो जाए। ये डिसीजन इमोशनल है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतना ही हम इसमें खर्च करेंगे और ये गोल के लिए इतने पैसे रखेंगे। पर हर किसी को मालूम है कि सब चीज के लिए सबके पास पैसा नहीं होता है। आपको ये डिसीजन लेने के टाइम ये इमोशनल डिसीजन को भी फिनेंस डिसीजन के साथ आपको लेना पड़ता है। तो पोस्टिंग का मतलब ये है कि आप अपनी जितना हो सके, अभी आगे की 30 साल तो किसी ने नहीं देखी है, पर जितना हो सके आप अगर अपने सामने एक मैप रखिए कि ये साल में मेरा ये 6 लाख का कमाई है, 4 लाख का खर्चा है, 2 लाख का मेरा बचाव है, तो कोई खास खर्चा नहीं है, ये पैसा मैंने सेव किया है। इस हिसाब से आप अगर पोस्ट करेंगे तो जो भी आपका लाइफ
इम्पोर्टेंट गोल्स जो है, आपका घर अगर लेना है या बच्चों की पढ़ाई है या फिर कोई इवेंट है आपके यहाँ, तो आपके सामने एक ग्राफ के जैसा ये आपको दिखाई देगा कि आपको कुछ 15 लाख ये साल में, और इसके लिए जरूरी ये भी है कि आप बहुत रियलिस्टिक गोल बनाए. करेक्ट, रियलिस्टिक गोल और रियलिस्टिक रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान की, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है अगर आप अनरियलिस्टिक गोल्स बनाते हैं और आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते हैं, नहीं अचीव कर पाते हैं, तो काफी प्रॉब्लम आती है, इमोशनल लेवल पे काफी प्रॉब्लम्स आती हैं, और इंसान समझता है कि आगे और किसी गोल को अचीव करने लायक नहीं है वो. सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसमें ये भी देखना है आपको कि ये कहना आसान है कि आपको रिटायरमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए है ना, बट प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये देखना है कि हर साल आपका जो भी सेविंग है कितना आपने इन्वेस्ट किया है और उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से ये पैसा कब आपको मिलने वाला है. अगर आपके पास जस्ट रिटायरमेंट का गोल ही आप ले लीजिए, अगर आपके पास ये गोल है कि आप एक घर ले लें, ठीक है, दूसरा घर, आप बिफोर रिटायरिंग आप एक दूसरा घर ले लेंगे, उसका वैल्यू और उसका रेंट आपका रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत ही मदद काम आएगा. तो आप अलग नहीं कर सकते, एक होलिस्टिक अप्रोच लेना जरूरी होता है.